हाय फ्रेंड्स, चलो आज अनबॉक्सिंग करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M12 और बोट के बेस हेड 100 ईयरफोन्स, जिसका प्राइस है, सैमसंग गैलेक्सी जो है वो 9500 में आया था दिवाली ऑफ़र में, और बोट के ईयरफोन्स 299। पर अभी देखा जाए तो दोनों का प्राइस बढ़ चुका है। चलो देखते हैं बॉक्स पैकिंग में कैसा है। एक ही बॉक्स में दोनों चीज़ आई है, बोट के हेडफोन सैमसंग गैलेक्सी M12 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल रियर। सील्ड पैक है, ब्लू कलर, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी। पैक रहेगा ना यहाँ पे, इस साइड भी है। बॉक्स में तो सबसे ऊपर है सिम इजेक्टर, और उसके अंदर आते हैं कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह, यूज़र मैनुअल, और उसके नीचे फ़ोन एक प्लास्टिक में है, इसी से सेफ्टी। इसमें अदर फोन्स की तरह बैक कवर और स्क्रीन गार्ड नहीं आता है, यह USB चार्जर टाइप सी डालना है, और पावर अडेप्टर 15 वाट फास्ट चार्जिंग। ये पीने से क्यों निकालना पड़ता है, डाले कि कभी रहने थे कवर में, तेरी मर्जी, या फिर कल कवर आएगा तब डालना है तो तब डालना। इसलिए कि अभी फिर कवर चढ़ा देगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, कुछ ऐसे कुछ आ जाएगा क्या? ना, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आता है। बाकी फ़ोन के पूरे लुक देख लीजिए, तब तक ये बोर्ड देखते हैं। बोर्ड बेस हेड 100 with mic, ये बस सिम डाल के फिर इसको चिपका लेगा तो चिपक जाएगा ना। अच्छा वैसे करना है, हाँ फिर फोन का इजेक्ट, सिम इजेक्ट करके देखते हैं सिम ट्रे इजेक्ट करके। तो करके इसमें डाल दो, तो तोड़ना पड़ेगा। इसमें लगता है माइक्रो सिम, अरे माइक्रो सिम जो है वो नॉर्मल रखने पे फिट नहीं होता है, इसे रख के थोड़ा अच्छे से प्रेस करना होता है तब जाके उसमें फिट होता है। ये हो गया फिट, अब वापस सिम ट्रे को फोन में रखते हैं। अब फोन ऑन करके देखते हैं, फोन ऑन, सैमसंग गैलेक्सी एंड्रॉइड। ये फ़ोन ऑन होने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लेता है। कितना टाइम लग रहा है? होता है वो स्टार्टिंग में, कम से कम 1 मिनट के आसपास तो ले ही रहा है, ये लेगा भी। स्टार्टिंग एंड्रॉइड स्टार्ट, ये है फ्रंट पेज स्टार्ट, यहाँ पे आई हैव रीड सिलेक्ट ऑल करके नेक्स्ट कीजिए।
लेट है क्या मोबाइल में? वाईफाई हो तो वाईफाई का पासवर्ड रखिए, या फिर नहीं हो तो नॉर्मली कंटिन्यू कीजिए स्किप करके, फिर यहाँ नेक्स्ट, क्योंकि कॉपी ऐप्स एंड डेटा। अगर पुराने फ़ोन भी एंड्रॉयड हो, पुराना फ़ोन एंड्रॉयड हो तो ठीक है, क्योंकि पुराना फ़ोन नहीं, अगर पुराना फ़ोन अगर एंड्रॉयड ना हो तो अकाउंट है क्या गूगल का, स्किप करके नेक्स्ट कीजिए। प्रोटेक्ट यूर फोन, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, और फिंगरप्रिंट जो है ये इसी से कर लेते हैं। पुराने फ़ोन में पावर ऑन की बटन रहती थी, उस जगह पे है, मीन्स जहाँ पे थंब है, और उसे एक्टिवेट करने से पहले ये पैटर्न मांगेगा, पैटर्न या फिर हम पासवर्ड पहले देना है। एक पैटर्न क्रिएट करो, फिर उसको वेरीफाई करो, नेक्स्ट, फिर से बना वही वाला, अब वेरीफाई, अब यहाँ पे उंगली रखी दबाते जा हर जगह। अब फ़ोन को जब होल्ड करते तो उस वक्त उस जगह पे थम आता है, इसलिए मैंने थम ही एक्टिवेट करने के लिए बोला है। निकालते जा, ये टच कर, तो थम को अच्छे से एकदम फास्ट ना करते हो, स्लो में अच्छे से रखिए, वरना हड़बड़ाहट में करते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। कंप्लीट होने पे 100% होने पे नेक्स्ट, गेट रिकमेंडेड एप्स, नेक्स्ट, सैमसंग का अकाउंट मांग रहा है, सैमसंग का अकाउंट नहीं है तो उसको स्किप कीजिए। फिर से स्किप, अब फिनिश, यू आर ऑल सेट अप, फिनिश। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोस के लिए। डन डन डन, सब डन हुआ, ओके, फोन स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।